Today we have start a very interesting chapter, that is a life process part 2, and it's a most valuable chapter also for a board examination. Okay, ये बहुत ही important topic है, ये आपको board examination में सबसे ज्यादा mark वाला ये chapter होने वाला है. तो जो भी कोई concept हो इसके अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से सुनना है और अच्छे से लिख लेना भी है. ओके, आफ्टर द स्टार्टिंग द वीडियोस, दोज यूजर्स व्हिच इज अ न्यू इन माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टुडेज आवर लेसन इज लाइफ प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2. ओके, ये पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है. तो लाइफ प्रोसेस यानी क्या? लाइफ प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज अ कैरिड आउट इन अवर डे टू डे लाइफ. ऐसी प्रोसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में कैरिड आउट होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से है? जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबोलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया. दिस ऑल आर द लाइफ प्रोसेस. ये सभी लाइफ प्रोसेस है. ये जो छोटे छोटे जो प्रोसेस होते हैं ये सभी हम यूटिलाइज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. सो इट आल्सो नोन एज द लाइफ प्रोसेस. ये लाइफ प्रोसेस होती है. लाइफ प्रोसेस क्यों होनी चाहिए? बिकॉज लाइफ प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट ऑफ अवर बॉडी, टू मेंटेन द ऑल फंक्शन अ कॉन्स्टेंट. सभी फंक्शन कॉन्स्टेंट होने के लिए, मेंटेन होने के लिए हमें ये लाइफ प्रोसेस बहुत जरूरी होती है. ओके, एंड इट आल्सो गिव्स अ एनर्जी विच इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग अ वर्क. ऐसे भी कुछ प्रोसेस है हमारे इसमें जो हमारे बॉडी में एनर्जी सिंथेसिस करती है. एंड यू नो वेरी वेल द एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डूइंग अ वर्क. कौन सा भी अगर काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? लाइफ प्रोसेस से मिलेगी. तो आपको लाइफ प्रोसेस अच्छे से मालूम हो गया होगा. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन अ डे टू डे लाइफ. उसके बाद आता है लाइफ प्रोसेस की एक एक कंसेप्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन. हमें इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ना है. ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस अ सेम एनिमल लाइक इटसेल्फ इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसा कोई भी एक सजीव निर्माण करना, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे कि कोई भी डॉग हो वो किसको बर्थ देगा? डॉग को ही बर्थ देगा. अगर कोई भी शिप हो वो किसको बर्थ देंगी? शिप को ही बर्थ देंगी. क्या करेगा? डॉग को ही बर्थ देगा. सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस अ न्यू एनिमल लाइक इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन. उसके बाद में आता है देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज अ सेक्सुअल एंड सेकंड इज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो या मल्टीसेलुलर भी हो, कोई भी हो. पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या? रिप्रोडक्शन इन विच अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसमें गैमेट फॉर्म होते हैं उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. गैमेट्स यानी क्या? गैमेट्स एक कंपोनेंट है जो बनता है. कब बनता है? व्हेन अ मेल एंड फीमेल आर मीट टुगेदर. जब मेल की स्पर्म और फीमेल की जो ओवियम होता है वो आपस में मिलके एक जायगोट और एक एम्ब्रियो तैयार होता है. ओके, स्पर्म तैयार होते हैं जिसको हम कहते हैं जायगोट. ओके, जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट्स when a male is mate to the female is called as a reproduction. पर कौन सा? sexual reproduction. okay, ये sexual reproduction में multicellular में भी होता है, unicellular भी होता है. second अपना type है asexual reproduction. तो asexual reproduction क्या है? asexual reproduction is defined as those reproduction in which does not the formation of a gametes. इसमें gamete form नहीं होते उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होता, ओनली मेल और जो फीमेल होता है वो मीट नहीं होते, सिर्फ उनके कैरेक्टर ट्रांसफर होते विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेस. वो क्या होते, कैसे होते, वो सभी हम देख लेंगे यहाँ पे. ओके, तो
ये सबसे बड़ी बातें होती है दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो इट हैज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेंट, दैट इज अ मैटरनल और पैटर्नल। इसमें दो जीन होते हैं, मैटरनल के 50% और पैटर्नल के 50%। मैटरनल यानी मदर, पैटर्नल यानी फादर, ओके। एंड ड्यू टू अ मीटिंग टुगेदर इट फॉर्म द डीएनए, एंड आफ्टर द डीएनए इट शुड बी अ मैचिंग एंड फॉर्म वेरियस difference between the offsprings, and this difference is nothing but a character. ये character shows करता है। तो और एक important बात है, sexual reproduction is the most important for to transfer the character from a parent to their offsprings. जो parent होते हैं उनके जो traits होते हैं वो transfer करने का काम sexual reproduction में होता है। ये भी एक बहुत important aspect है आपके लिए, भी ध्यान में रखो। Okay? तो असेक्सुअल में आपको बता रहा था, असेक्सुअल इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू टाइप्स। असेक्सुअल दो टाइप में और डिवाइड होता है मेन। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यूनिसेलुलर में दो डिवीजन होते हैं, पहला है बाइनरी फ्यूजन, सेकंड है मल्टीपल फ्यूजन। और मल्टीसेलुलर में चार डिवीजन होते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन। ये क्या होता है वो एक एक बताएंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, एक एक पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स, सेक्सुअल असेक्सुअल। ओके, असेक्सुअल के मेन दो टाइप है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में होने वाला यानी सिंगल सेल में होने वाला, मल्टीसेल यानी मिनी सेल में होने वाला। ओके, तो हम पहले जाएंगे यूनिसेलुलर की तरफ। तो यूनिसेलर यानी क्या, दो ऑर्गेनिज्म विच इज अ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल्स। ऐसे एनिमल जो सिंगल सेल के बने होते हैं हम उसे यूनिसेलर कहते हैं, जैसे कि अमीबा। आप अगर अमीबा को लिए तो अमीबा इट हैज अ नो शेप, इसको कोई भी शेप नहीं होता, बिकॉज इट कंटेन द स्पिडोपोडिया सेल्स एंड दिस स्पिडोपोडिया सेल्स कंटिन्यूअसली चेंज देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन द एटमोस्फियर। ओके, अमीबा में एक सेल्स होती है जिसका नाम है स्पिडोपोडिया, एंड दिस स्पिडोस्पोडिया सेल्स चेंज अ शेप अ कंटिन्यूअसली विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि प्रीडिक्टर आ गया तो इसको इंगल्फ करना, उसका शेप चेंज हो जाएगा, और कभी होगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ड्यू टू अ स्पिडोस्पोडिया सेल्स अमीबा कैन चेंज देयर शेप्स। उसके बाद सेकंड थिंग इसमें आती है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है बाइनरी फ्यूजन, मींस अ वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू अ टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज अ बाइनरी फ्यूजन। बाय मींस अ टू, फ्यूजन मींस अ ब्रेकिंग, मींस अ ब्रेकिंग ऑफ वन सेल्स एंड फॉर्म अ टू डॉटर न्यूक्लियर इज नोन एज अ बाइनरी फ्यूजन। तो अमीबा में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है बीच में से। ओके, आफ्टर द ब्रेकिंग न्यूक्लियस इट शुड बी अ कन्वर्ट इनटू टू डॉटर सेल्स। वो दो डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, और वो डॉटर सेल्स कहां से फॉर्म होंगे, फ्रॉम द पैरेंट सेल्स। जो पैरेंट होता है वो ब्रेक हो जाएगा दो इसमें, और उसके डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे दो, उसे क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। ओके, तो ये भी ध्यान में रखने का है कि बाइनरी फ्यूजन इज हैपन इन अमीबा, आल्सो इट हैपन इन अ यूग्लिना। यूग्लिना इज आल्सो बी द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज आल्सो बी द बाइनरी फ्यूजन डिवीजन। ओके, उसके बाद चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें हम देखने वाला है सेकंड टाइप मल्टीपल फ्यूजन। ओके, तो मल्टीपल फ्यूजन यानी क्या, अमीबा कंटेन अ स्पिडोपोडिया सेल्स एंड ड्यू टू अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिस स्पिडोस्पोडिया सेल्स इन अ कॉन्टेक्ट विद अ मॉइस्चर इट शुड बी द ब्रस्ट। अगर कोई भी मॉइस्चर हो, मॉइस्चर का कंटेंट हो, तो दो स्पिडोस्पोडिया जो सेल्स होती है वो क्या होते हैं, ब्रस्ट होती है, ब्रस्ट यानी फूटना। एंड आफ्टर द ब्रस्टिंग इट शुड बी ट्रांसमिट द वेरियस न्यूक्लियस एंड इट फॉर्म द मेनी अमीबाज। एक न्यूक्लियस से बहुत सारे अमीबा फॉर्म होते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टी मीन्स अ मेनी, फ्यूजन मीन्स अ ब्रेकिंग, मीन्स अ ब्रेकिंग ऑफ अ वन न्यूक्लियस and form a mini nucleus is known as a multiple fusion. और ये भी multiple fusion होता है amoeba में, मगर कब, with a specific a condition। जब ये condition होंगी तभी ये burst होंगी, तो उसे हम कहते हैं multiple fusion। unicellular में हमने पहले पढ़ लिया कि binary fusion क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ लिया multiple fusion क्या होता है। अब चलेंगे in a multicellular organism, a sexual reproduction in multicellular organism। इसमें पहला आता है budding।
ओके, तो बडिंग क्या होती है? बडिंग इज नथिंग बट प्रोसेस इन विच अ फॉर्मेशन ऑफ बर्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट्स इज नोन एज अ बडिंग। आपने अगर कभी देखा होगा कि कोई भी जो प्लांट होता है, ओके, कोई भी प्लांट को एक छोटा सा आउटग्रोथ बाहर आता है, उसे कहते हैं हम बर्स, ओके, उसे कहते हैं न्यूली लीव्स, और इट हैज अ फ्लेशी लीव्स, एक फ्लेशी लीव्स होता है, एंड आफ्टर दैट इट शुड बी अ कन्वर्ट इन टू द लीव्स एंड अ ब्रांचेस ऑल्सो। फिर ये एक लीव्स में और ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं बर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल बर्स इट प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ बडिंग, उसे हम बडिंग कहते हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है हाइड्रा का, हाइड्रा आप अच्छे से देख लिया होगा, तो एक पैरेंट सेल रहती है बिग वाली, और वो पैरेंट सेल्स को क्या होता है, छोटा आउटग्रोथ बाहर आता है, एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म अ न्यू हाइड्रा, बट आफ्टर द मैच्योरेशन इट शुड बी अ डिटैच फ्रॉम द पैरेंट्स। वो पूरा मैच्योर होने के बाद जो पैरेंट्स होता है उससे डिटैच होके वो न्यू हाइड्रा फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं बडिंग। तो बडिंग यानी क्या? बडिंग इज ऑल्सो बी द वन ऑफ द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल बर्ड्स इज कॉल्ड एज बडिंग, उसे हम बडिंग कहते हैं। सेकंड इसमें टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आपको मालूम होगा, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पायरोगायरा, ओके, तो स्पायरोगायरा क्या होता है, एक सेल्स होती है बहुत बड़ी, आपको यहाँ पे दिखाई देगा होगा, एक स्पायरोगायरा है, तो ये है पैरेंट सेल, एंड आफ्टर द पैरेंट इट शुड बी अ कन्वर्ट इन टू द स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट, एंड दीज स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस अ न्यू, द इंडिविजुअल स्पायरोगायरा इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट यानी टूटना, टेशन मीन्स अ फॉर्मेशन, यानी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट इट प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन, और ये होता है स्पायरोगायरा में, ये हमारा सेकेंड टाइप है। थर्ड हमारा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन ये भी एक रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल का, जो मल्टीसेलर में होता है, और इसमें क्या होता है, यू नो वेरिएबल म्यूकर, म्यूकर इज ऑर्गेनिज्म विच फाउंड इन अ मॉइस्ट कंडीशन, जो मॉइस्ट कंडीशन होती है वहाँ पे म्यूकर फाउंड होती है, इट कंटेन द वन बल्ब एंड वन स्टॉक, इसको एक बल्ब होता है यानी एक बॉल जैसा भाग, और एक स्टॉक होता है यानी एक ऐसी लकड़ी जैसा भाग, ओके, तो आफ्टर दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इट शुड बी द ब्रस्ट, वो ब्रस्ट होता है, एंड आफ्टर दैट इट शुड बी अ रिलीज अ मेनी सीड्स फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल पोर्स, उसको छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं उस स्पोर्स में बहुत सारे सीड्स ऐसे रिलीज होते हैं ग्राउंड पे, एंड आफ्टर दैट इट शुड बी अ फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल पोर्स इज नोन एज अ स्पोर फॉर्मेशन, और ये भी एक अपना टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और लास्ट हमारा टाइप है जिसका नाम है रीजनरेशन। आपको मालूम होगा कि एक थ्योरी लिखी थी, उसमें लिखा गया था कि दोज ऑर्गन विच इज अ नॉन फंक्शनल इट शुड बी अ रिमूव बाय द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, आपने कभी देखी होंगी जो चिपकली होती है, जो चिपकली की अगर टेल हमने काट दी तो आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम इट ऑल्सो बी द ओरिजिनेट, और इट शुड अगेन अ री ओरिजिनेट, व्हाई, बिकॉज इट ऑल्सो बी द वन ऑफ द टाइप ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स व्हाट? रीजनरेशन इज अ डिफाइंड एज प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म अगेन एंड अगेन, बट इट शुड बी द हैपन इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन, ये स्पेसिफिक ऑर्गन को ही लागू होता है, सभी ऑर्गन रीजनरेट नहीं होते। जैसे कि हमने हाथ काट दिया तो हार्ट वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ नॉन रीजनरेट ऑर्गन, ये रीजनरेट ऑर्गन नहीं है। तो स्पेसिफिक जो ऑर्गन होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, जैसे कि टेल ऑफ लिजार, लिजार की टेल लो वो रीजनरेशन की है। उसके बाद प्लानेरिया का लो, प्लानेरिया ये भी एक प्लांट है जिसका अगर स्टॉक गिर जाए तो वो रीजनरेट होता है, न्यू प्लानेरिया फॉर्म करता है, तो ये क्या है? रीजनरेशन है, तो ये भी एक टाइप है रिप्रोडक्शन का। अब अगला जो पार्ट है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हमने तो पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल, उसमें भी हमने टाइप देखे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको
एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ द प्लांट आर रिप्रोड्यूस, प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं या कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, नहीं होगा तो फिर से एक बार दोहराता हूं। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जायगोट फ्रॉम वन मेल एंड वन फीमेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स फ्यूज होने के बाद जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं जायगोट, और इट इज अ डिप्लॉयड जायगोट। वन, बिकॉज अ यूनियन ऑफ अ सिंगल मेल स्पर्म एंड अ फीमेल जायगोट। ओके, फीमेल का एक जायगोट और मेल का एक स्पर्म अगर फ्यूज होते हैं तो एक जायगोट तैयार होगा और उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यानी क्या, फ्यूजेशन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, विच इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए दो हमें जरूरत होती है, एक होती है मेल की और एक होती है फीमेल की। ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सब पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लावर में क्या होता है। ओके, तो हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं हमारे लेक्चर की इस तरफ। यह है, यहाँ पे एक अच्छी सी डायग्राम मैंने निकाली है आपको समझने के लिए कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो ये मैंने एक डायग्राम निकाली है किसकी, फ्लावर्स की। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट, फ्लावर कंटेन अ टू मेन पार्ट, दैट इज अ मेल पार्ट एंड अ फीमेल पार्ट, इज नोन एज अ बायसिकस प्लांट। ओके, और बायसेक्सुअल प्लांट, बायसेक्सुअल प्लांट यानी क्या, दोज प्लांट और दोज फ्लावर विच कंटेन अ मेल एंड अ फीमेल सेपरेटली, जिसमें मेल और फीमेल सेपरेटली होता है उसे कहते हैं बायसेक्सुअल प्लांट। और मोनोसेक्सुअल यानी क्या, दोज फ्लावर विच कंटेन अ मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल फ्लावर, जो दोनों भी एक सिंगल फ्लावर में होते हैं उसे कहते हैं मोनो। ओके, और जिसमें दो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं बायसेक्सुअल प्लांट। तो फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल का, एक होता है फीमेल का। फीमेल के पार्ट्स कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ फीमेल। और मेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके, ये मेल के पार्ट है, ये फीमेल के पार्ट है। यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो, ये एक फ्लावर है। ओके, इन साइड द फ्लावर इट कंटेन द फीमेल पार्ट, दैट इज अ ओवरी। दिस ओवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रियो। ओके, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा आगे होके, एंड विच इंपॉर्टेंट फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ सीड्स एंड अ फ्रूट ऑल्सो। तो ओवरी एक फीमेल ऑर्गन है जिसमें फ्रूट्स और सीड्स फॉर्म होने वाले हैं। उसके बाद ये चलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज ऑल्सो बी द फीमेल पार्ट विच हैज अ स्टिकी, जो स्टिकी होता है, विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू कैप्चर द मेल पार्ट्स, जिसका जो मेल पार्ट्स होता है वो कैप्चर करने का काम, स्टिक करने का काम ये स्टिग्मा करती है। कौन सा कैप्चर करेगी, ये पोलन ग्रेन कैप्चर करेगी, जो एंथर से निकलते हैं वो कैप्चर करने का काम ये स्टिग्मा करती है, एंड इट इज अ फीमेल पार्ट ऑल्सो। उसके बाद आता है स्टाइल। तो ये स्टाइल क्या है, स्टाइल इज अ जस्ट लाइक अ सिलेंडर पार्ट विच इंपॉर्टेंट फॉर अ एंट्री ऑफ अ पोलन ग्रेन। यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिक होंगे और यहां से ये अंदर जाएगी विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, मगर अंदर जाने के लिए जो पैसेज लगता है उसे कहते हैं स्टाइल, एंड दिस स्टाइल इज अ फीमेल पार्ट विच इंपॉर्टेंट फॉर और विच प्रोवाइडेड द एंट्री ऑफ अ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन की एंट्री करेगी उसे हम कहते हैं स्टाइल। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दीज ऑल आर द थ्री आर द पार्ट ऑफ फीमेल, ये फीमेल के पार्ट्स हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मेल के पार्ट्स। मेल का है एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे अगर हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, फिलामेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, फिलामेंट है। ओके, दिस अ फिलामेंट प्रोवाइडेड अ बेसमेंट टू फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन इन अ एंथर। ये जो एंथर है इसमें पोलन ग्रेन फॉर्म होने वाले है और उसको बेसमेंट प्रोवाइडेड करने का काम कौन करता है, ये फिलामेंट करता है। तो ये एंथर और ये फिलामेंट बोथ आर द ऑर्गन ऑफ अ मेल पार्ट्स। ओके, अब रहेगा पेटल्स और अ कैलिक्स।
उसे कैलर, उसे पेटल और सेपल भी कहते हैं। पेटल को और एक नाम है जिसका नाम है करोला, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। अनदर नेम ऑफ अ पेटल इज व्हाट? इट्स अ करोला। ओके, एंड अनदर नेम ऑफ सेपल इज अ कैलेक्स। दिस कैलेक्स एंड अ करोला इट प्रोवाइडेड अ सपोर्ट टू द फ्लावर। ये फ्लावर को सपोर्ट करते हैं। पेटल्स आपको मालूम होंगे, कोई कोई जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। मेनी फ्लावर हैज अ डिफरेंट कलर। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट पेटल्स, उसको पेटल्स रहते हैं। और जो बेसमेंट होता है फ्लावर का उसे हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का रहता है। ओके, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ फ्लावर। ये सभी फ्लावर के पार्ट है। अब हमको पढ़ने का है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले वो जानने से पहले एक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जिसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ अ मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट विद द हेल्प ऑफ मेनी कैरियर। अब हमको रिप्रोडक्शन करना है, मगर रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? मेल पार्ट चाहिए और फीमेल पार्ट चाहिए। जो मेल पार्ट होता है वो ट्रांसफर होता है फीमेल की तरफ विद द हेल्प ऑफ कैरियर। कैरियर यानी क्या? ऐसे कुछ एजेंट जो मेल पार्ट्स को ले जाते हैं फीमेल की तरफ। ओके, वेरियस कैरियर होते हैं, जैसे कि वाइन यानी हवा, जैसे कि वॉटर यानी पानी, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। दिस ऑल आर द कैरियर विच इंपॉर्टेंट फॉर टू ट्रांसफर द मेल पार्ट्स टू द फीमेल पार्ट्स। ये सभी मेल पार्ट्स को ट्रांसफर करते हैं फीमेल की तरफ, वो होते हैं कैरियर, विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ओके, तो पॉलिनेशन यानी क्या? ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम अ मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट्स इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन इज अ डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन विद अ सेम प्लांट्स। जो सेम प्लांट्स में होता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि लोटस का अगर कोई मेल पार्ट्स हो वो जाता है लोटस के पास ही, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ अ सेम प्लांट्स। ओके, जो मोइल जो पोलन ग्रेन होता है वो सेम प्लांट को ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन यानी क्या? क्रॉस पॉलिनेशन इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन विद अ टू डिफरेंट प्लांट। जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उस पर ट्रांसफर होता है, जैसे कि लोटस ट्रांसफर द पोलन ग्रेन टूवर्ड्स अ रोज। तो ये क्या है? दो अलग अलग प्लांट है, उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं। अब पॉलिनेशन कैसे होता है, वो क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से डायग्राम। तो हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो आप देखो ये पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है। फर्स्ट, पोलन ग्रेन इज अ ट्रांसफर फ्रॉम अ एंथर। ओके, विद द हेल्प ऑफ वेरियस अ कैरियर। जो एंथर होता है वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट। एंड आफ्टर दैट दिस मेल पोलन ग्रेन इज अ ट्रांसफर टूवर्ड्स अ फीमेल बाय द वेरियस कैरियर। वेरियस कैरियर होते हैं जैसे कि वाइंड हो या वाटर हो या कोई इंसेक्ट्स या बर्ड्स हो। आफ्टर दैट दिस पोलन ग्रेन इज अ स्टिक टू द स्टिग्मा। ये यहाँ पे आता है। ओके, एंड इट शुड बी अ स्टिक टूवर्ड्स अ स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ फीमेल। And after the sticking the pollen grain, it should be the inter towards the embryo. यहाँ पे एक embryo है, यहाँ पे inter होगा, मगर inter होने के लिए उसे कुछ तो चाहिए। Okay, तो ये क्या करेगा? It form a small tube that is known as a pollen tube. एक pollen tube form करेगा जो कि pollen grain की entry होगी। कहाँ से? यहाँ पे स्टाइल से लेके यहाँ तक embryo तक। Okay, and it should be provided by the pollen tube. एंड आफ्टर दैट, एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने का है, आफ्टर द ट्रांसफर द पोलन ग्रेन इट कंटेन अ टू मेल गैमेट्स। यहाँ पे दो मेल गैमेट्स होते हैं, उसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियर। ओके, यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं और इट इज अ डिप्लॉइड सेल्स, ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट इट शुड बी अ ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब एंड अ ट्रांसफर टूवर्ड्स द एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो की तरफ जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, ये फिगर टू में देखो अच्छे से। आफ्टर द ट्रांसफर अ पोलन ग्रेन, ओके, वन पोलन ग्रेन इज अ ट्रांसफर टूवर्ड्स द एग सेल। जो एक पोलन ग्रेन होगा वो एग सेल की तरफ जाएगा एंड फॉर्म अ सीड्स एंड फॉर्म अ सीड्स और फॉर्म अ एम्ब्रियो।
और ये क्या करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा. वन पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टुवर्ड्स द एग सेल्स एंड फॉर्म द एम्ब्रियो एंड वन पोलन ग्रेन इज अ ट्रांसफर टुवर्ड्स द एंटीपोलर सेल्स एंड फॉर्म द एंडोस्पर्म. एक जाएगा एग सेल की तरफ जो फॉर्म करेगा एम्ब्रियो एंड वन इज अ ट्रांसफर टुवर्ड्स द एंटीपोलर सेल्स विच फॉर्म द एंडोस्पर्म एंड दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड अ नरिशमेंट टू अनदर प्रोसीड्स. जो प्रोसेस होंगी उसको नरिशमेंट प्रोवाइडेड करने का काम या फ्रूट्स या न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड करने का काम ये एंडोस्पर्म करेंगी. एंड आफ्टर द एम्ब्रियो इट शुड द मैच्योर इनटू द सीड्स. वो सीड्स में मैच्योर होंगे. ओके, ये यहाँ पे एक सीड्स है, सीड्स में मैच्योर होंगे एंड सीड्स जर्मिनेट अब वन प्यूमुल एंड वन रेडिकल. यहाँ पे एक प्यूमुल का पार्ट ओरिजिनेट होगा और यहाँ पे रेडिकल का पार्ट ओरिजिनेट होगा. प्यूमुल जर्मिनेट अ स्टेम. प्यूमुल से क्या जर्मिनेट होगा, स्टेम जर्मिनेट होगा. और रेडिकल जर्मिनेट्स अ रूट. और रेडिकल क्या करेगा, रूट से जर्मिनेट करेगा. एंड आफ्टर दैट दिस प्रोसेस हैपन अगेन एंड अगेन. और एक मैच्योर प्लांट फॉर्म होगा, फिर से ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन फॉर्म होगी. फिर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, फिर वो पोलन ट्यूब में जाएगा, फिर एम्ब्रियो, फिर से सीड्स, फिर से फ्रूट्स, फिर से स्टेम, फिर से रूट. ये सभी प्रोसेस चालू रहती है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. और ये सभी रिप्रोडक्शन होता है इन अ फ्लावर बिकॉज फ्लावर इज अ मेन पार्ट विच कंटेन द इसेंशियल कंपोनेंट्स विच इम्पोर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन. ये आज तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पढ़नी है वो है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम. वो पढ़ेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.